हाँ देखिए, बड़ी खबर आ रही है हजारीबाग में ट्रेन को लेकर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। उसी खबर को लेकर फिलहाल मैं मौजूद हूँ हजारीबाग रेलवे स्टेशन। पीछे का दृश्य आप देखेंगे तो बड़ा शानदार नजर आएगा, और उसी शानदार तस्वीर के साथ एक आप कह सकते हैं कि बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज की जैसी एक खबर है। लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया जब वंदे भारत ट्रेन आई तो लोगों ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेन चाहिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस चाहिए, तो लीजिए ट्रेन आ गई है आपके लिए। इंटरसिटी एक्सप्रेस आ गई है हजारीबाग में, इसकी आप कह सकते हैं एक नोटिफिकेशन आई है, उसको लेकर ही ये खबर हम आप तक कर रहे हैं। 12 जो तारीख है याद रखिएगा, 12 सितंबर को इनॉग्रेशन होना है उस ट्रेन के लिए। आप कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखाई जानी है, इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि गिरिडीह से रांची जाएगी हजारीबाग होते हुए। हम वो सारी बातें आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्टेशन होगा, कहां कहां पर हॉल्ट है, ट्रेन कहां कहां रुकेगी। तो बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि बहुत लंबा अरसा है ट्रेन को लेकर, जो इंतजार है बहुत लंबा है। तो आप कह सकते हैं कि इंतजार का फल कुछ कुछ मीठा होता हुआ दिख रहा है जब ट्रेन की खबर आ रही है, इंटरसिटी एक्सप्रेस की खबर आ रही है। हालांकि अभी जो लंबी दूरी की ट्रेन की मांग है तो उसको लेकर इंतजार करना होगा। अब इंतजार कब तक करना होगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि आपको लंबी दूरी की भी ट्रेन मिल जाए, तो इंतहा हो गई इंतजार की, आप वो भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेन को लेकर बहुत लंबे समय से मांग थी। हजारीबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, आप एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो कि यहाँ से नजर आती है। ये देखिए हजारीबाग रेलवे स्टेशन है, सामने आपको ये जो झारखंड की खूबसूरती है वो भी नजर आती है, पहाड़ियां नजर आती है, आप तिरंगा झंडा भी आप देख सकते हैं, तिरंगा भी नजर आ रहा है। हम बात कर रहे थे हजारीबाग रेलवे स्टेशन को लेकर कि भैया ट्रेन की सौगात यहां पर मिल गई। हम नीचे भी जाएंगे, नीचे की तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। आपको हम बता दें वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है उसको लेकर भी बहुत खबरें थी, हमने लगातार खबरें आप तक पहुंचाई थी। वो ट्रेन जो भारत की सबसे अच्छी ट्रेन कही जाती है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हजारीबाग उस मामले में बाजी मार गया जहां पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी आपको बता दें जो स्थिति है वंदे भारत की वो बिल्कुल फुल चल रही है, और ये ऑफ सीजन होने के बावजूद भी कहा जाता है कि ये ट्रेन का, भारतीय रेल का एक तरीके से ऑफ सीजन है पैसेंजर ट्रेन को लेकर, पैसेंजर को लेकर। तो कह सकते हैं कि उसके बाद भी वंदे भारत, यहाँ अगर हजारीबाग की बात करें तो यहां पर जो स्थिति है, हर दिन आपको हम बता दें कम से कम 60 से 70 लोग ट्रेन की सवारी वंदे भारत पर कर रहे हैं। तो वंदे भारत एक तरीके से अच्छी ट्रेन है। हम आइए आपको नीचे की तस्वीर दिखाएंगे, नीचे चलेंगे। अभी जो फिलहाल हम जहां मौजूद हैं ये रेलवे फुट ओवर ब्रिज है, वहां पर है, वहां की ये तस्वीर है। नीचे स्टेशन की तरफ चलेंगे, खबर हम आपको सुना रहे हैं। खबर जो आपको हम सुना रहे हैं वो ये खबर है कि भाई ट्रेन आ रही है, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, और वो ट्रेन बड़ी शानदार ट्रेन होगी उस लिहाज से क्योंकि इंतजार जो है बहुत लंबे समय का है। आप ये देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज से हम नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, स्टेशन की तरफ हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो खाली खाली आपको दिख रहा है ना, आने वाले समय में यहाँ पर तस्वीरें बहुत अच्छी हो जाएंगी जब ट्रेनें चलने लगेगी। अभी वंदे भारत चल रही है, वीक में एक दिन को छोड़कर, मंगलवार को छोड़कर हर दिन ये ट्रेन चल रही है, पटना से रांची चल रही है। जो सौगात मिली है 28 जून को वंदे भारत ट्रेन हजारीबाग से होकर रांची जो जाती है, तो बड़ी सौगात है। उसको लेकर बहुत सारी बातें थी कि भैया ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है, तो ट्रेन अब चल रही है। उसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस भी आ रही है गिरिडीह से। फिर से आपको याद दिला दूं जो लाइव लेट से जुड़े हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस गिरिडीह से रांची जो जाने वाली है, अभी फेयर के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें ट्रेन को लेकर, आपको बता दें जो अनुमानित जो फेयर हो सकता है, जो भाड़ा हो सकता है, तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी। हजारीबाग से रांची का भाड़ा हम आपको बता दें, मोटा मोटी जो अनुमान है 55 से 60 रुपया हो सकता है, 55 या 60 के बीच में, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो बहुत ही कम दर पर अब रांची का सफर जो है हजारीबाग के लोग करेंगे, और बहुत सहूलियत हो जाएगी। वक्त की अगर बात करेंगे तो 2.5 घंटे लग सकते हैं हजारीबाग से रांची पहुंचने में, जो इंटरसिटी एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रेन कहां कहां पर रुकेगी। अभी फिलहाल जो हम मौजूद हैं हजारीबाग रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतरकर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हजारीबाग स्टेशन, इसकी कहानी आपको हम बता दें, 1999 स्वर्गीय
प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शिलान्यास हुआ था। उसके बाद 16 साल लग गए, 2015 में यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, जिसमें मालगाड़ी, अभी भी आप देखिए मालगाड़ी, खास तौर पर मालगाड़ी ही चल रही थी, ये आप देख सकते हैं मालगाड़ी लगी हुई है। पैसेंजर ट्रेन चलना शुरू हुआ था, वो बरकाकाना से कोडरमा चल रहा था, लेकिन लोगों को कुछ खास फायदा उससे नहीं हो रहा था। मालगाड़ी की अगर बात करें तो राजस्व की खूब प्राप्ति हो रही थी। इसको लेकर लोग बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई सिर्फ कोयले की ढुलाई करेंगे कि लोगों के लिए सहूलियत भी देंगे, लोग भी उससे ट्रेवल करेंगे, ट्रेन लोगों के लिए आएगी या नहीं आएगी। तो आपको बता दें कि फिर उसको लेकर फिर से 8 साल का एक सफर हुआ, 3 स्लॉट में हम बांट रहे हैं, 2023 आ गया, 1999, 2015, 2023, यानी कि सुचारू रूप से जो आप कहें कि एक अच्छी ट्रेन जो आई वो वंदे भारत, तो एक ऐसी ट्रेन आ गई जो कि भारत की सबसे अच्छी ट्रेन कही जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना थी। हाई क्लास की ट्रेन है, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन है, खूब खबरें दिखाई गई, हमने भी खूब कवर किया क्योंकि ट्रेन ही ऐसी थी, तो लोगों में उत्साह भी था, बहुत उत्साह था। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ सीजन होने के बाद भी जो स्थिति है अभी वंदे भारत की, वो ऑक्यूपेंसी अभी फिलहाल आपको बता दें 100% है, यानी कि फुल चल रहा है वो ट्रेन, ये ऑफ सीजन में भी। तो आपको बता दें जब सीजन आएगा, जब त्योहार का मौसम आएगा, जब शादी विवाह का मौसम, जब लगन होता है, तो आप ये मानकर चलिए कि ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलेंगी, आपको हो सकता है कि 6-7 दिन का वेटिंग भी मिले। तो फिलहाल ये स्थिति है वंदे भारत की। जो हम खबर कह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो इस बात को लेकर बता रहे हैं कि भैया ट्रेन जो है इंटरसिटी एक्सप्रेस, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसिटी एक्सप्रेस हजारीबाग को मिल चुका है, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही थी। अभी लोग देखेंगे, बहुत इक्के दुक्के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, चहल कदमी करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ चीजें बदलेंगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस मिलने के बाद यहाँ पर आपको काफी भीड़ भाड़ दिखेगा। अनुमानित जो फेयर है वो मैं आपको बता रहा था 55 से 60 रुपये। ये स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारीबाग लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ट्रेन जिसको लेकर, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मांग प्रतीक्षारत थे हजारीबाग के लोग कि भैया ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है। तो एक वंदे भारत के बाद एक इंटरसिटी एक्सप्रेस भी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी खबर आई है 12 सितंबर से परिचालन आप कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू हो जाएगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो गिरिडीह से रांची जाएगी। अब सवाल ये है कि ये रांची से गिरिडीह के लिए होगी या फिर गिरिडीह से रांची के लिए होगी। गिरिडीह से रांची अगर सुबह के वक्त में होता तो आपको बता दें लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ये बात ध्यान देना होगा कि अगर गिरिडीह से रांची के लिए सुबह के लिए ट्रेन मिलती है तो वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो फेयर है आपको हम बता दें 55 से 60 रुपया हो सकता है, ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ, इसमें फेर बदल या फिर उतार चढ़ाव ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आगे बढ़कर आप लोग तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से स्टेशन नजर आता है। फिलहाल ये हजारीबाग रेलवे स्टेशन है, आइए चंदन जी, बहुत लंबा समय लगा आपको ट्रेन का से भी, आ जाइए इनॉग्रेशन होना है, हरी झंडी दिखाई जाएगी जी, कैसा महसूस करते हैं इसके बाद, ये खबर सुनने के बाद? बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक खबर है। लंबे अरसे के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना सोया था, हजारीबाग की जनता को भी लंबे अरसे से इसका इंतजार था, अब लगता है आम आदमी, बहुत खुशखबरी की बात है। और ये हजारीबाग विद्यार्थियों का जोन है, कई एग्जाम के लिए मतलब उनको रांची जाना पड़ता है, ये बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी यहाँ पे, लोग कम पैसे में रांची जाकर अपना एग्जाम देंगे, इलाज जाएंगे, आना जाना आगमन सुगम हो जाएगा, बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत ही सकारात्मक। तो झोला लेके चढ़िएगा भी? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ेंगे, और लोग को इंतजार है कहीं तो जैसे ही आएगा, इसी का जरूरत था। एक मतलब आम लोगों के लिए जिसकी बात होती है, क्योंकि वोट आम लोगों से जब लिया जाता है तो कहा जाता है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाद सहूलियत होगी आम लोगों, बिल्कुल शिकायत थी उनकी, बिल्कुल उसका मांग था जब वंदे भारत आ रहा था, तो वो तो बहुत ही सकारात्मक पहल, लेकिन उसको लोग बोल रहा था कि आम आदमी से पहुंच से बाहर है, लेकिन इंटरसिटी अब आम आदमी, विद्यार्थी से लेकर किसान वर्ग से लेकर सभी वर्ग के लोग उसमें आएंगे जाएंगे, और एक आसान मतलब उनका पैकेट भी अलाउ करेगा, और जो मतलब बस किराया देना पड़ता था या फिर जो अनुमानित किराया है
अनुमानित जो किराया है वो बताया जा रहा है कि 55 से 60 रुपया हो सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। साउंड में कोई दिक्कत आ रहा है अभी? ठीक है, अच्छा इसको आप रखिए, इसको रखिए अपने पास, इसको रखिए। आप लोग इधर घूम जाइए, एक बार इस साइड से घूम जाइए, तो इधर से ठीक आ रहा है? ठीक है, चलिए पीछे पीछे बढ़िए। अब मुझे ये बताइए कि भैया जब वंदे भारत आया जी, तो बात हुई कि इंटरसिटी एक्सप्रेस चाहिए, लंबी दूरी की ट्रेन चाहिए, तो एक एक करके जो पिटारा से निकल रहा है, एक एक करके पिटारा से निकल रहा है, तो क्या 2024 को लेकर भी चीजें देखी जा रही हैं? बिल्कुल, कि इतनी आसानी से नहीं देना है चीजों को? बिल्कुल, हो सकता है कि लगता है कि चुनावी इसको अपने चुनावी मसले में भी इसको लाएं लोग, और होता है जब राजनीति लोग करते हैं तो लगता है कि इसको भी हम थोड़ा भुनाए कि जो हमने ट्रेन दिया और इंटरसिटी का बहुत जरूरत था, लोग का मांग भी था। हाँ। अभी जब इसका चल रहा था कि वो वंदे भारत आ रहा है, ये है, तो एकदम आम चौक चौराहों पे और गांव तक चर्चा था कि ये हजारीबाग आम आवाम से जुड़ा हुआ लोग है, विद्यार्थी है, किसान है, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो इंटरसिटी का बहुत ही जरूरत था। अच्छा, क्या लगता है कि जो ट्रेन है, लंबी दूरी की ट्रेन है, जो दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, साउथ के किसी जगह चेन्नई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इलाज के लिए बहुत लोग जाते हैं, मजदूर भी बहुत काम करते हैं, तो लंबी दूरी की ट्रेन की बहुत सख्त जरूरत है? बहुत, बहुत। जैसे एक एक करके पिटारा से जो मिल रहा है, लोग अभी इसके बाद भी लोग बात करेंगे कि भैया लंबी दूरी की ट्रेन, ये तो बहुत पॉजिटिव खबर है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत सकारात्मक खबर है और बहुत अच्छी खबर है कि ट्रेन मिल रही है। लंबी दूरी की ट्रेन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, लोग तो बात करते हैं इसकी। बिल्कुल, इसकी चर्चाएं आम है और इसके बाद देखिएगा जरूरत भी है। यहाँ के लोग अक्सर, मतलब ये जो जॉन है, यहाँ से अभी भी मतलब लोग बाहर मजदूरी करने के लिए काम पे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और इलाज के लिए लोग का हमेशा आना जाना होता है, और अब तो सबके लोग बाहर रहते हैं तो आना जाना बाहर, तो अब जरूरी है कि महानगरों का भी ट्रेन यहाँ से चालू हो, और लगता है कि चुनाव जैसे नज़दीक, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएगा, और ये आप सही कह रहे थे भैया, चुनाव से इसलिए जोड़ना पड़ा ना, लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया बहुत लंबा जो इंतजार होता है और जब चुनाव नजदीक आता है तो लोगों को लगता है कि कहीं चलिए चुनाव के बहाने ही फायदा हो जाए। बिल्कुल, चुनाव के बहाने ही लोगों को फायदा हो जाए, जन लोगों को, मतलब आम लोगों को, मतलब बेनिफिट मिले, जो चीज का जरूरत था, ये रियली में बहुत जरूरत था, बहुत ही जरूरत था, और स्वागत है, हजारीबाग इसका इंतजार कर ही रहा था, आम लोगों का इसका बहुत ही बेनिफिट होगा, और जो भी इसका पहल किए हैं, सकारात्मक पहल है, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखिए, ये लंबे लंबे टाइम से बस इसी का ढुलाई चल रहा था, जो सामने तस्वीर में दिख रही है, कोयला का ढुलाई चल रहा था। तो इसको लेकर भी सवाल पूछा जाता था ना कि भैया इतना राजस्व जो हजारीबाग जो ये स्टेशन दे रहा है, सरकार को दे रहा है, केंद्र सरकार तक पहुंच रहा है, रेलवे से इतना फायदा, रेलवे को इतना फायदा मिल रहा है, तो भैया काहे नहीं, पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा है, ट्रेन काहे नहीं दे रहा? तो ये लोग बहुत पॉजिटिव और मतलब लाजमी सवाल, लॉजिकल सवाल था। बिल्कुल, ये एकदम कटु सत्य भी है कि जब से शुरुआती दौर से लोग बहुत खुश थे कि स्टेशन का ये हुआ है, ओपनिंग हुआ हजारीबाग में, एक भी ट्रेन लंबे अरसे के बाद, अभी हाल में एक वंदे भारत मिला, फिर ये आ रहा है इंटरसिटी, लेकिन उस समय से जिस दिन से शुरू स्टार्ट हुआ, कोयला का ढुलाई सिर्फ चालू था, लेकिन अब सकारात्मक पहले जो भी हुआ, अब जब ये इंटरसिटी ट्रेन आ जाएगी और महानगरों के लिए, मतलब अदर स्टेट के लिए जब ट्रेनें आ जाएगी, तो सही कहे जान पर हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम दिल्ली नहीं जा पाए ट्रेन से, हजारीबाग से एक ट्रेन दिल्ली चली जाए वो इतना साल लग गया, तो चांद आसान है लेकिन दिल्ली बहुत मुश्किल है हजारीबाग के लिए। नहीं, सकारात्मक पहल नहीं किया गया, दिल से इसको किया नहीं गया, बहुत हल्के में बस इनका राजस्व जा रहा था, व्यापार चल रहा था, कोयला का ढुलाई हो रहा था, अब लिए कि अब जनता इसको प्रेशर बना दी थी कि अब ये चाहिए, लंबे अरसे से कई संगठन के लोग, कई दल के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किए, मांग भी किया उन्होंने सरकार से, अब लगा कि ये अब अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनावी टाइम में इसको कैसे भुना पाएंगे, तो कई मसले हैं इस रीजन बहुत। ये तो बातें होती रहेंगी कि चुनावी मसला है या चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव खबर है फिलहाल के लिए, सकारात्मक हम लोग की पॉजिटिव बातें हैं कि भैया ट्रेन आ रहा है, इंटरसिटी एक्सप्रेस आ रहा है, 12 तारीख को इनॉग्रेशन है, हरी झंडी दिखाएंगे और जनता के सुपुर्द हो जाएगा, आम लोगों के लिए ट्रेन हो जाएगा। बिल्कुल, ये ट्रेन अब आम आवाम के लिए है, एकदम इंटरसिटी ट्रेन से आम लोग रौनक बढ़ जाएगी हजारीबाग स्टेशन की। मतलब क्या है ना भैया कि इस स्टेशन का इंटरसिटी आने से डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो टोटो है, कई लोग जब यहाँ आएंगे तो टोटो से आएंगे, कई चीज़ यहाँ बाहर बिकेगी, जैसे अभी देखते हैं स्टेशन के बाहर, स्टेशन में बहुत कम भीड़ है,
जैसे इंटरसिटी आएगी लोगों का आना जाना बढ़ेगा, चहलकदमी बढ़ेगी। जब चहलकदमी बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे लोगों को रोजगार से जुड़ेंगे, पानी की बोतलें बिकेंगी, खमोचे वाले मिलेंगे, समोसा बिकेगी, चाट बिकेगा, रोटो, रोजगार का बहुत मतलब एक रास्ता भी बनेगा, लोग का रास्ता के साथ साथ आने जाने का सुगम बनेगा ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी कई लोगों को रोजगार का माध्यम बनेगा। मतलब ये मांगे खत्म नहीं होगी, अब थोड़े दिन के बाद मांग उठेगी कि भैया हवाई जहाज। चलिए हवाई जहाज के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, अभी मिक्स नहीं करते हैं। ये बड़ी खबर है कि ट्रेन आ रही है, वहीं तक हम लोग लिमिट रखते हैं। पॉजिटिव खबर, बहुत बहुत बड़ी खबर है हजारीबाग के लिए और बहुत सकारात्मक पहल है। खुशी होने के बाद उस दिन का इंतजार है, आम आवाम के लोगों का जो पैकेट अलाव के साथ साथ मतलब बहुत जरूरी था इसका इंटरसिटी का मतलब। जैसे जो बड़ी संख्या है, जो आबादी है जो मध्यम क्लास के हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वही बात थी ना कि भैया वंदे भारत में हम सफर नहीं कर सकते हैं, हमको चाहिए कि भैया 100 रुपये हम चले जाएं, 50 रुपये हम चले जाएं, 60 रुपये हम चले जाएं, तो इंटरसिटी वो समस्या दूर कर देगा। बिल्कुल, वो जो सवाल उनके जहन में दौड़ रहा था, इंटरसिटी आने के साथ साथ वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, लोग राजधानी से जुड़ पाएंगे। और हजारीबाग विद्यार्थियों का हब भी कहा जाता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी होने के चलते। शाम में देखेंगे कोर्रा और मटवारी क्षेत्र में कई विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उतना पैसे होते नहीं, बहुत कम पैसे में यहाँ, लेकिन क्या कि ट्रेन जब चलेगी तो हर वर्ग का लोग राजधानी से कनेक्ट हो पाएगा, एग्जाम है या फिर किसानों को जाना पड़ता है कुछ काम से, सब्जी वहाँ तक पहुँच पाएगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। चलिए आपको हम बता दें, जिस तरीके से जो खबरें हैं बड़ी पॉजिटिव बातें थी जो हम आपको बता रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे, इंटरसिटी एक्सप्रेस जो हजारीबाग को मिल गया है, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, उसकी हम बातें बता दें। अब यहां पर आप अनाउंसमेंट होता सुनेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 03309 हजारीबाग स्टेशन बस पहुंचने वाली है, पहुंच गई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर आ गई है, तो ऐसी अनाउंसमेंट आप बहुत जल्द सुनेंगे। 12 तारीख को इनॉग्रेशन होगा। आपको हम बता दें जो हॉल्ट हैं, कहां कहां रुकने वाली हैं, जो गिरिडीह से रांची के लिए जो ट्रेन है वो हम आपको बता दें, जमुआ धनवार, महेशपुर हॉल्ट, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा और टाटी सिलवई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, और इसमें बहुत सारे स्टेशन अभी आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी फेरबदल होगा और भी कुछ स्टेशन आपको नजर आएंगे। देखिए मालगाड़ी निकल रही है और इसी से राजस्व पिछले आप कह सकते हैं कि 8 सालों से जमकर हो रहा है रेलवे को। लगातार यहाँ पर मालगाड़ी चल रही थी और हर दिन जो है 10 से 15 के बीच में रह जाता है। अनुमानित यहाँ से जो कलेक्शन है वो करोड़ों की है, वो पर डे की है, जो हम आपको बता रहे हैं वो पर डे का कलेक्शन है। उसके बाद भी ट्रेन आने में बहुत लंबा समय लग गया, ये 24 साल की कहानी है। 1999 से शिलान्यास के बाद 2023 है, वहाँ पर आप इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात सुन रहे हैं और दैनिक खबर आपको सुना रहा है, मैं सुना रहा हूँ हजारीबाग रेलवे स्टेशन से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर जब ट्रेन आएगी उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। 23 साल की कहानी है, 3 हिस्सों में बांट लीजिए। 1999 में शिलान्यास हुआ, 2015 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप कह सकते हैं कि वो ट्रेन जो मालगाड़ी और जो पैसेंजर कोडरमा तक जा रही थी वो ट्रेन चल रही थी, फिर 2023 का वक्त आया जिसमें आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, फिर एक खबर आई है इंटरसिटी। तो ये ट्रेन है, ये कहानी है, ये हजारीबाग लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनकी बात है। अब शायद उनका वो सपना जिसमें वो इंटरसिटी की बात कर रहे थे, वो ऐसी ट्रेन की बात कर रहे थे जिसमें भाड़ा कम हो, फेयर कम हो, सुविधा मतलब भाड़े के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनके लिए सहूलियत भरा हो, तो ये शायद इंटरसिटी एक्सप्रेस पूरा कर पाए। लंबी दूरी के लिए अभी भी इंतजार करिए, बहुत पॉजिटिव खबर, बहुत सकारात्मक खबर, जिसमें हजारीबाग को इंटरसिटी एक्सप्रेस मिल रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए, मैं कुणाल सिंह मिलूंगा फिर।